आएंगे वहां से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो सुबह के 9 बजे से स्टार्ट होती है। तो वैसे तो मॉर्निंग की शुरुआत जो है सुबह यहाँ गांव पे 4 से 4:30 बजे हो जाती है, क्योंकि सबसे पहला काम यही रहता है, जानवरों का काम रहता है ना, दूध जाता है डेयरी पे यहाँ पे। तो मम्मी पापा उठ जाते हैं सुबह 4 बजे। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 6 बजे, क्योंकि मैं मायके आई हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट में उठती हूँ। मगर ये है कि 7 बजे तक जो है, 7, 7:30 बजे तक मैं नाश्ता बना के उनको दे देती हूँ। 8 बजे जो है, मैंने बताया था, मम्मी लोग निकल जाते हैं अपना बाकी का काम करने के लिए। तो सुबह सुबह उनका जो काम रहता है, घर के सारे काम निपटाना, जैसे जानवरों का काम होता है बहुत सारे, जो गांव से उन्हें पता ही होता है, तो वो काम निपटाने के बाद टाइम पे घर से निकल जाते हैं चारा लेने के लिए। बहुत दूर जाना पड़ता है उनको, तो वो लेने के लिए चली गई हैं मम्मी, इसीलिए टाइम पे निकल गए थे। पहला मैंने उन्हीं का ही काम निपटाया, क्योंकि उन्हें जाना होता है इसलिए मैंने पहला काम उन्हीं का ही किया। उसके बाद फिर मैं थोड़े बहुत काम निपटा के सीधे आ चुकी थी नहाने के लिए। तो इस बोरिंग में इतना ताज़ा पानी, ठंडा पानी निकलता है। बोरिंग का पानी नीचे से आता है, बट पानी जो है कम आ रहा था, इसलिए इसमें मोटर लगा दी गई है, जिसकी वजह से पानी बहुत अच्छा आता है। तो लाइट आती है जाती है, गर्मियों का टाइम है, इसलिए मैं सोचती हूँ पहले नहा लेती हूँ। सबसे पहले मुझे आदत है ना नहा, मतलब टाइम पे उठ के नहाने की। यहाँ पे तो थोड़ा लेट हो जा रही हूँ, बट जब तक ना नहाऊँ मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलिए थोड़े से कपड़े रह लेते हैं, नहा धो के पहले ये काम कर लेते हैं और बाकी काम हम करते रहेंगे। तो पापा के यहाँ पे कपड़े थे 2 जोड़े, और मम्मी के भी कपड़े थे, मेरे भी थे, तो मैंने उनको धो दिए। कुछ कपड़े कल मैंने धोए थे। तो गांव में ना इस तरीके से बोरिंग में, खुले बोरिंग में जो है कपड़े धोते हैं, यहाँ पे मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। और बाथरूम में भी कपड़े नहीं धोते हैं, यहाँ पे जो है जहाँ पे मैं धो रही थी ना वहाँ पे धोते हैं। अभी तो कह रही है टूट सा गया है, पहले वो पूरा सीमेंट का हुआ करता था। तो गाँव के सभी लोग यहाँ पे कपड़े धोते थे। तो चलिए आपको इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जो गाँव का जो रहन सहन होता है ना, वो देखने को मिलेगा। अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, सब अपने अपने घर में रहते हैं, वरना अभी तक आपको भीड़ देखने को मिलती। कपड़े डालने के बाद ये है पराल, जो कि धान होता है, धान के जो डंडी होती है उसे सुखा के चारा के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसे स्टोर करके रखा जाता है। मम्मी फिलहाल इसको लाने का काम कर रही है, और देखना मम्मी कितना बड़ा सर पे रख के लेके आएंगी गट्ठा। एक बार पता है मम्मी ला के फेंक के जा चुकी है, आज चारा लेने के लिए गई थी, बट फिर वो चेंज हो गया उनका प्लान कि चलो वहाँ पे पराल मिल रहा है, मशीन लगी हुई है, तो पराल लेके आते हैं 3-4 बार। इतनी दूर दूर 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, मतलब जितने चक्कर मिलेगा उतने चक्कर चले जाते हैं। तो गांव में ऐसे ही होता है गाइस, काम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। बरसातों में चारा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बारिश से पानी भर जाता है, इसलिए पहले इसे स्टोर करके रखने के लिए अभी थोड़ी सी मेहनत की जाती है। इसके बाद फिर कपड़े मैंने डाल दिए थे, और आज ना दशहरा था, पोछा नहीं लगाया था। तो मम्मी कह रही थी मैं लगा दूँगी, तो रहने देना या फिर बाद में देख लेंगे, उन्हें जल्दबाजी हो रही थी और सुबह मैं भी बिजी हो गई थी। अभी मुझे याद आया, मैंने कहा दशहरा है, पोछा लगाना चाहिए। दशहरे में हमारे वहाँ पंडित जी दे के जाते हैं दशहरा, जिसे हमें चिपकाना होता है अपने दरवाजे पे, तो वो पापा ने नहा धो के चिपका दिया था। तो मैंने कहा चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। इसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी, बाकी साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है। सूजी बहुत प्यारी गहरी नींद में सोई थी, और मैंने उसकी नींद ना ख़राब कर दी, उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा। मैंने बताया ना हमारे पड़ोस के जो डॉगी हैं, उसने उसको काट लिया घर पे, वो भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इतनी छोटी सी है, और इतने बड़े बड़े कुत्ते थे, 2 जर्मन शेपर्ड कुत्ते हैं ना, वो ही थे, और उसने एक दांत सूजी को लगा दिया। तो उसकी भी मुझे देख रेख करनी पड़ रही है, उसे टॉयलेट ले जाना और बाहर घुमाना, गोद में ही मैं ले जाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा चल नहीं पा रही है वो। तो बस इसके बाद ना गाइस, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मंदिर में मैं लगा के पहले आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे पापा दिया जलाते हैं। और इसके बाद फिर किचन बचा हुआ था, तो यहाँ पे भी जो है इस मोप से हम अच्छे से पोछा लगा लेंगे। इसके बाद फिर आ चुकी हूँ मैं यहाँ वाले रूम पे, तो यहाँ पे भी इससे अच्छे से पोछा लगा लेंगे।
और फिर बाकी के काम जो है वो होते रहेंगे। मैं सारा अंदर का काम संभालती हूँ जितना हो सके, क्योंकि बाहर का काम अब नहीं होता, मम्मी मना करती है, बाहर का कोई काम मम्मी करने ही नहीं देती। वैसे थोड़ा बहुत अभी भी मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो गोबर फेंकना, घास काटना दीदी के साथ जितना हो सके उतना कर लेती हूँ। बट मायके में यह है कि मम्मी करने नहीं देती है, तो मैंने कहा चलो अंदर का काम मैं सारा संभाल लेती हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ। तो उस रूम में लगाने के बाद इस रूम में लगा लिया था। इसके बाद हम आ चुके हैं लॉबी में, तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। तब तक क्या होगा ना, मेरी जो मम्मी है वो एक बार फेंकने के बाद दूसरी बार चली गई है, तो जब जब घर आ रही थी तब तक उनको पानी देना पड़ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। सूजी का हाथ ना, ये देखे यहाँ पर दांत लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारी। तो इसको भी मुझे बीच बीच में मैं देखते रह रही थी, पानी और दूध पी रही है वो, खाना भी थोड़ा सा कम खा रही है। वैसे गर्मी में कम खाती है, फिर आजकल तो थोड़ी सी तकलीफ़ में है। वैसे उसे इंजेक्शन दे रखा है, दवाई जो है लगा रहे हैं, बट वो ना जीप से चाट दे रही है और पट्टी अभी बांध नहीं सकते, क्योंकि गर्मी है ना, फिर गर्मी में दिक्कत हो जाती है। तो गैस यही हो रखा है। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था। इसके बाद चलते हैं बाहर। गंदगी ना गाइस, मैंने बताया बहुत होती रहती है, क्योंकि जो आंगन है ना गाइस वो मिट्टी का है। हम अगर आंगन में चलते हैं चप्पलों से तो फिर वो थोड़ा सा मिट्टी ना अंदर आ जाती है। कभी कभी हम नंगे पैर भी दौड़ लगाने लगते हैं आंगन में, तो उसकी वजह से फ्लोर जो है गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे दो तीन राउंड पोछा लगाने के बाद अंदर का मैंने क्लीन कर लिया था। बाकी कपड़े संभालना या चीज़ों को समेटना वो मैंने उठते ही कर लिया था। इसके बाद बाहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। और इसके बाद ये देखिए इतना फर्श है और साइड में पूरा गोबर से मम्मी ने अच्छे से लिपाई करके रखा है। बट गोबर वाला जो आंगन होता है वो बड़ा प्यारा लगता है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो मम्मी बीच बीच में इसको लिपाई करती रहती है, और पहले मैं भी करती थी लिपाई, पता अच्छा लगता था मुझे। तो गाँव में गई ऐसे ही होता है। और यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा दिया था, पोछा लगाने वाला भी गंदा हो गया था पता है, फिर इसको मुझे मोटर से साफ़ करना पड़ा। और ये है मैट, इसको हम लगा देते हैं। चलिए गाइस आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ना सर पे कितना बड़ा पहाड़ उठा के लेके आती है, देखिए। और ये दो तीन चक्कर मम्मी अभी लगाएंगे। गर्दन भी नहीं दिख रही है आपकी, इतना बड़ा गट्ठा लाने की क्या जरूरत थी? बाप रे, गट्ठा क्या है इतना बड़ा? इस देखे मैंने कहा था ना पहाड़ उठा के लेके आएगी मम्मी, देखे। कितना भी समझा लो, कितना भी वो कर लो, बट मम्मी ना सुनती नहीं है। मतलब पूरी ताकत से इतना बड़ा, मतलब दो तीन जने लग के मम्मी के सर पे इस गट्ठे को रखते हैं पता है। तो शुरू से ही मम्मी इतना सारा लेके आती थी, चारा वगैरह वो भी, तो जब मैं भी थी ना मैं भी लेके आती थी। बट अब ना मेरे से तो हो नहीं सकता। मैं मम्मी से भी कहती हूँ कि मम्मी अब कम लाया करो, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, बट मम्मी सुनती ही नहीं है। इसके बाद फिर मम्मी को मैंने पानी दे दिया था। चाय का बड़ा रहता है गाइस गांव में, ये दूध अब मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सा दूध डालने पे चाय का कलर देखना आप। मैं तो पूरी दूध की चाय बनाती हूँ यहाँ, और यहाँ पर पानी मुझे यूज़ करना पड़ रहा था चाय पे। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी प्योर दूध है ये, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं पड़ा है। तो ये चाय में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना अदरक बिना इलायची की भी चाय बनाएंगे वो इतनी टेस्टी बनेगी ना। तो यही है, हमारे यहाँ पहाड़ी में चाय बहुत चलती है गाइस। वो कहते हैं ना कि चाय थकान दूर कर देती है, तो मम्मी थक के आती है तो पहले मैं उन्हें पानी पिलाती हूँ फिर चाय पिलाती हूँ, ताकि उनकी थोड़ी सी थकान दूर हो जाए। तो मैंने अपने पापा को चाय दे दी है, पापा अंदर बैठे हुए। पापा घर का जो बाहर का काम होते हैं, जानवरों को नहलाना और उनके और भी खेतों में पानी लगाना, इस समय ये काम भी होता है, तो पापा का अलग काम है, वो अपना अलग काम करने में लगे हैं। मेरे पैरों में ना यहाँ पे चोट लग गई थी, मैं टाइल से दीवार से टकरा गई थी, बट नीचे टाइल से मेरे उंगली में इतनी तेज चोट लग गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। तो वही मैं मम्मी से बोल रही थी। इसके बाद ना गाइस दही नहीं जमाई थी, दही थोड़ा सा लेट में जमाते हैं क्योंकि गर्मी है और आजकल तो दही जम जाती है। तो यहाँ पे भी मैंने एक लोटे में दही जमा दी है। इतनी सारी चीटी हो रही है ना गाइस कि कभी दो दो तीन तीन बार भी पोछा मारना पड़ता है पता, बहुत चीटी हो रही है। इसके लिए लक्ष्मण रेखा लेके आए हैं, वाइट कलर का चौक टाइप का होता है, मैंने तो पहली बार देखा है। इतनी चिट्ठी हमारे वहाँ तो कभी नहीं होती, पर यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो मम्मी बोलती है कि बरसातों में जाएंगी, जिसकी वजह से मुझे बार बार वो लक्ष्मण रेखा जो पापा लेके आए ना उसको लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हाथों हाथ मैंने चाय के बर्तन भी निपटा दिए हैं, और थोड़ा बहुत सामान था यहाँ पे जो कि पॉलीथीन में पड़ी हुई थी, तो मैं देख रही थी कि डब्बे खाली हैं, तो जो सामान
जिसमें डालना है उसको डाल देती हूँ। तो कभी कभार ऐसे ही रह जाते हैं, मम्मी लोग को टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो मैं वही देख रही थी कि चलो इसको मैं देख लेती हूँ और दोपहर की खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि फिर धीरे धीरे करके ना टाइम हो गया था, 12 बज गया था। तो खाना पीना ना दोपहर का जो रहता है वो रहता है 12:30 से 1 बजे का। फिर थोड़ा सा इनको टाइम मिलता है तो जो है आराम कर लेते हैं, क्योंकि 3 बजे से फिर काम स्टार्ट हो जाता है। हम तो यहाँ पे 5, 5:30, 6 बजे तक बाहर आते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं चलता है गाँव में कि 3 बजे से फिर जानवरों का काम करना और फिर दूध निकालना ये सारा रहता है ना, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। आज मैं बनाने वाली हूँ भटकी दाल, जिसे मैंने एक थाली में निकाल दिया है, थोड़ा सा साफ़ कर लिया है और इसमें भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, तो इसे मैं धूप में सुखाने डाल देती हूँ और अभी थोड़ी देर में फिर बनाऊँगी। टाइम दिखाती हूँ, हालत ख़राब हो रही है। 11:41। अभी मम्मी खेत में चली गई है फिर से, घास जो मेड़ में घास होती है वो काटने के लिए चली गई है। तो मेरे ना पैर में भी चोट लगी है, टाइल से ठूक गई मैं, और कान के मैंने उतार के वहाँ रख दिए हैं, इसलिए कान के मेरे को सूट नहीं हो रहे। वही सब तो मैं भी थक चुकी हूँ, मुझे ना नींद सी आ रही है और बाहर बहुत तेज़ धूप है। अब मुझे खाना बनाना है, बस खाना बना के फिर देखेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। तो खाने में मुझे वही भटकी चुटकानी बनानी है। अगर मिक्सी होती तो मैं एक रात पहले इसे भिगो के रख देती और फिर उसके बाद उसके डुबके बनाते। तो ये जो भटकी काली वाली दाल है ना गैस, ये गर्मियों के दिनों में ठंडी होती है, तो उसके डुबके खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अभी चटनी भी थी तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता, बट यहाँ की जो मिक्सी है ना गैस वो ख़राब हो गई है, इस वजह से मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं सोच रही थी थोड़ा सा मैंगो शेक, बनाना शेक बना के, मम्मी लोग इतनी गर्मी से आ रहे हैं तो उनको जो है सुबह शाम शेक बना के पिला देते, बट ये ही है ना मिक्सी ख़राब हो रही है। तो मैं देखती हूँ पापा से कहूँगी उसे ठीक कराने के लिए, या फिर दूसरी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या टूट गया है उसका। तो चलिए गाइस बनाते हैं भटकी चुटकानी। भटकी चुटकानी बनाते हैं। मम्मी पता नहीं कैसे काम कर ले रही, पता अभी इतनी धूप में 12 बजे खेत में घास काट रही है। चुके गए इस पहले, मेरा भी पहले ऐसे ही रहता था, मम्मी के साथ साथ चलती थी मैं, और अब मेरी आदत ख़राब हो गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे मतलब बाहर आते ही ऐसा लग रहा ना, इतनी तेज़ धूप लग रही है, अंदर का सारा काम मैं कर लेती हूँ यहाँ आने के बाद, बाहर का काम मैं नहीं कर पाती हूँ धूप में, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। चलिए जो हो सकता है वो तो कर लेती हूँ, बस कल परसों को हो सकता है मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो जब तक हूँ तब तक हेल्प कर देती हूँ मम्मी और पापा की, क्योंकि बेचारे इतना काम करते हैं, और अगर थोड़ी सी भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो अच्छा होगा। मैं आती ही इसलिए हूँ कि मैं आके 2-3 दिन थोड़ी सी हेल्प करके जाऊँगी। मैं आती हूँ, घर आना जाना तो रहता है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम बाद आती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल और मेरा मायके यहीं है, बट रहने का नहीं हो पाता। एक दिन आके जैसे सुबह आके शाम को चले जाते, तो बहुत टाइम से मैं यहाँ नहीं रही। आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में जब मैंने शेयर करा होगा यहाँ रहते हुए, तब मैं रुकी थी। कब रुकी थी? तो चलिए बनाते हैं खाना। थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बैठने के बाद मैं अपने काम में लग चुकी हूँ और वो दोनों अपने काम में लग चुके हैं। पापा जानवरों को नहलाने और पानी देने में लगे हैं, मम्मी पराल जो है 2-3 बार लेके आ चुकी है। अब मम्मी चली गई है खेत में इतनी तेज़ धूप में, क्योंकि सुबह चारा नहीं लेके आई थी, वो पराल लेके आई थी, तो अभी वो मेड़ की जो घास होती है उसको काटने के लिए मतलब अपने ही खेत में गई है। तो उनके आने तक तब तक मैं सोच रही हूँ मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा खाना बनेगा मम्मी वहाँ से आ जाएंगी, फिर नहाना धोना करेंगे और उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मैं भटके डुबके बनाने जा रही हूँ। ये काली वाली दाल है, हमारे पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली दाल। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी मतलब सामान नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2-3 प्याज कट कर लिए हैं, और जो आटा होता है गाइस, चाहो तो आप उसको तेल डाल के उसको फ्राई करके अलग से निकाल के फिर प्याज टमाटर भून के बना सकते हैं। सॉरी, इस दाल को भी आपको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा इस तरीके से।
तो मैं आटे को ना घोल के डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, फिर जीरा डाला, फिर जो दाल होती है उसको डाला। जब ये दाल बम की तरह फटते हैं तो आप समझ जाइए कि ये हो रहे हैं। इसको काला नहीं करना है, इनको सिर्फ भूनना है। तो इसमें मैंने हरी मिर्ची भून ली है और ये इस टाइप से फटने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसके बाद इसमें आपको ऊपर से प्याज डाल लेना है। वैसे तो बनाने के इसको दो तीन तरीके हैं, मम्मी लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं और मैं अलग तरीके से, मतलब मेरे ससुराल में जैसे बनाते हैं मैं उस तरीके से बना रही हूँ। बाकी दोनों तरीका अच्छा लगता है, आटा को भून के भी अच्छा लगता है या फिर आटा को घोल के भी अच्छा लगता है। जब हल्का हल्का प्याज ब्राउन हो जाएगा ना, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले, जैसे कि धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च, सिंपल मसाला रहेगा। और इसके बाद इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा मसाला अच्छे से पक जाएगा तो जो आटे का घोल होता है गाइस, वो भी हमें ना ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा, क्योंकि आटा जब पकता है तो वो गाढ़ा हो जाता है बहुत। तो जितने लोग हैं उसी हिसाब से, मैंने तो 2-3 चम्मच लिए थे। आप ये देखिए, इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से घोलना है, बिल्कुल अच्छे से घोलना है, वरना फिर वो थोड़ा सा वो होने लगता है, इकट्ठा सा होने लगता है, लड्डू से बनने लगते हैं उसके। तो इस तरीके से घोला जाता है ताकि इसकी जो ग्रेवी होती है, ताकि जो इसकी रस होता है, क्या बोलते हैं, उसकी तरी होती है, सॉरी, वो गाढ़ी हो जाए। इसके बाद इसको फिर मैंने थोड़ी देर तक घुमा लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया था। पापा अपना काम निपटा के मंदिर चले गए थे। तो यहाँ पे हमारे गांव का एक सामूहिक मंदिर है, तो आज दशहरा था। सारे घर से जो है गेहूँ लेके उसका प्रसाद बनाया जाता है, मतलब जो फसल होती है ना, वो फसल को मंदिर में चढ़ाते हैं। तो दशहरे के दिन उसको चढ़ा के उसी का, यानी गेहूं चढ़ाया था, तो गेहूं का हलवा बनाया था, यानी गेहूं को दरदरा पीस के और बहुत सारी चीज़ें जैसे हलवा बनाते हैं उस तरीके से बनाया था, बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो माता को चढ़ाने के बाद उसका प्रसाद पूरे गाँव में बांटा जाता है। और इसी के साथ ये बने थे आलू के गुटके, हमारे पहाड़ी में इसको आलू के गुटके बोलते हैं और इसे गेहूं का हलवा बोलते हैं। वैसे मैं पापा से इसकी रेसिपी सुन रही थी कि पापा कैसे बनाते हैं, मुझे भी बता दीजिए, कभी मैं भी बनाऊंगी। तो इतना टेस्टी लग रहा था, मंदिर का प्रसाद तो वैसे भी टेस्टी लगता है। थोड़ी देर बैठने के बाद मम्मी पापा नहा धो के आ चुके थे। फिर मैंने यहाँ पे उन दोनों के लिए लगा लिया है खाना। चटनी है आम की और प्याज का सैलेड है और ये दाल है। खाना पीना खाने के बाद गाइस, मैंने सोचा था शाम को मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाई। थोड़ी बहुत सब्जियां आ चुकी थी यहाँ पे, वैसे गांव में घर की सब्जी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे वॉश करके इसे लगा ले रही हूँ। इसके बाद ना मैं वीडियो बना ही नहीं पाती, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। अभी के लिए बाय बाय।